हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोशिफ एंड यू आर वाचिंग यू आई डेवलपर कोड। तो गाइज, आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ पांच ऐसी वेबसाइट्स जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में PNG इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री से मेरा मतलब है वेक्टर बेस्ड इमेजेस या फिर सोशल मीडिया जो आइकन्स होते हैं उनसे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जो इमेजेस होती हैं, JPG इमेज होती हैं, उनका बाद में बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और उस बैकग्राउंड को रिमूव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो इमेजेस अगर हमें फ्री में मिल जाती हैं तो बहुत ही वेल एंड गुड है। तो आज हम उन्हीं वेबसाइट्स के बारे में देखेंगे कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हमें ऐसे इजीली PNG या बैकग्राउंड रिमूव वाली इमेजेस मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली वेबसाइट है stickpng.com। यहाँ पे आप URL देख रहे हैं stickpng.com। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाकर कुछ वेबसाइट का डिटेल देखेंगे, वेबसाइट्स में कैसे कैटेगरी डिफाइन की गई है, और फिर हम इमेज का प्रोसेस, इमेज को डाउनलोड करने का प्रोसेस देखेंगे, इमेज कैसे डाउनलोड होती है, उसकी क्या क्वालिटी आती है। और फिर मैंने एक यहाँ पे छोटा सा एक डिज़ाइन बनाया, उस इमेज को यहाँ पर प्लेस करके देखेंगे कि वो इमेज कैसी लग रही है। मैं ज़्यादा बहुत सारी कैटेगरी को सर्च नहीं करूँगा, मैं मेन कुछ कैटेगरी सर्च करूँगा जो मेनली हमारे डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें सपोज़ कीजिए वॉच से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है या साइकिल से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, तो उसका प्रोडक्ट हमें चाहिए होता है, उसकी PNG इमेज हमें चाहिए होती है। तो उसी को देखते हैं डाउनलोड करके कि हमें ये वेबसाइट्स कैसी क्वालिटी देती हैं। तो सबसे पहले मैं इस वेबसाइट को देख लेता हूँ नीचे कैसे दिया गया है। यहाँ पर ऐसे कैटेगरी डिफाइन की गई हैं, यहाँ से आपको सोशल मीडिया के जो आइकन है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे एक बड़ा सा सर्च बार दिया गया है, यहाँ से आप कुछ कैटेगरी जो भी चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं, और मतलब कुछ भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं जैसे सपोज़ कीजिए मुझे वॉच से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, तो मैं वॉच से सर्च कर लेता हूँ और देखते हैं कि कैसे इसको डाउनलोड करते हैं और क्या क्वालिटी आती है। और एक चीज़ का मैंने और ध्यान रखा है कि मैं ऐसी वेबसाइट आपको बताऊँगा जिसमें मुझे लॉगिन की रिक्वायरमेंट ना पड़े, क्योंकि हमें एक इमेज डाउनलोड करनी है तो फिर मुझे एक अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो बड़ा हैक्टिक वर्क हो जाता है। तो मैंने उस ऐसी वेबसाइट्स चूज़ करके निकाली है जहाँ पे लॉगिन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिल्कुल वेबसाइट पर लैंड कीजिए और इमेजेस डाउनलोड कीजिए। तो देख लेते हैं, ये डाउनलोड करके देख लेते हैं, इसको डाउनलोड करके देखते हैं और अपने डिज़ाइन में यहाँ पर इसको पेस्ट करके देखते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करते हैं, दिखा रहा है डाउनलोड होने वाली। सेव कर लेता हूँ, सेव करते हैं और जाते हैं उस फोल्डर में। अब इस इमेज को मैं यूज़ करके देखता हूँ यहाँ पे इसकी क्वालिटी कैसी आई है, तो उसको ऐसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो क्वालिटी तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव किया गया है, आप भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिख लेता हूँ, हल्का सा एजेस, हल्के हल्के से एजेस दिख रहे हैं, पर हमारा काम चल जाएगा क्योंकि हम इतनी बड़ी इमेज तो यूज़ नहीं करने वाले। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और उसको देखता हूँ कैसी लग रही है। यहाँ पर हम इसको ऐसे प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे इस इमेज को प्लेस कर सकते हैं, अच्छी लग रही है, वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है इमेज। तो चलिए अब हम दूसरी वेबसाइट की तरफ चलते हैं, वहाँ से हम दूसरा कुछ प्रोडक्ट डाउनलोड करके देखते हैं और चेक करते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो दूसरे नंबर पर जिस वेबसाइट को मैंने रखा है उस वेबसाइट का नाम है pnginb.com। आप URL पे देख सकते हैं pnginb.com। इस वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस तो सिंपल सा ही है, बिल्कुल यहाँ पर एक सर्च बार है और यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वी हैव 92,988 इमेजेस। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, मेरे माइंड में जो आ रहा है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो इससे रिलेवेंट आपको चाहिए हो, ऐसे किसी भी कैटेगरी पर क्लिक कर दीजिए। अच्छा, एप्पल फ्रूट आ गया, तो फ्रूट से रिलेटेड तो कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं है। मैं सर्च कर लेता हूँ, सपोज़ कीजिए मुझे बाइसाइकिल हेलमेट, तो सपोज़ कीजिए मुझे हेलमेट से रिलेटेड एक वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको मैं सिंपली सेव करके डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ से इस इमेज को दोबारा से हम अपने प्रोडक्ट में आगे यहाँ पे प्लेस करके देखते हैं कैसी लग रही है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है, तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे डिज़ाइन के बारे में इतना नहीं बताना है, हमें तो सिर्फ एक वेबसाइट से रिलेटेड बात करनी है कि किस वेबसाइट पर किस तरह की इमेज मिल जाती हैं।
तो मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी इमेज की क्वालिटीज़ कैसी है, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम इसको यहाँ ऐसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरी वेबसाइट की तरफ, जिस वेबसाइट का नाम है PNG विंग। मैं गो क्लोज कर देता हूँ मिनट। तो इस वेबसाइट का सबसे पहले देख लेते हैं, इस वेबसाइट में क्या होम पेज पर क्या बताया गया है। यहाँ पे भी सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकन्स हैं, ये डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये लाइट से रिलेटेड आ रहा है, जो भी आपसे रिलेटेड, जो भी को आपसे रिलेवेंट कुछ भी इमेज आकर आपको चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं चलिए यहाँ से डाउनलोड करता हूँ शूज़ से रिलेटेड, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेते हैं पहले वाली। इसका ये रहा डाउनलोड करने का बटन। इसकी डाउनलोड करने के बाद क्वालिटी देखते हैं कैसी आती है और ये हमारे डिज़ाइन में कैसे फिट बैठती है। तो उसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, ये सेव हो गई है। यहाँ से जाते हैं, इसको हम फिर से कॉपी करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं कैसा लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी इमेज प्रोवाइड की गई है, इसके साथ में इसके एक ट्रांसपेरेंट सा बैकग्राउंड भी दिया गया है, तो हम पीछे से अपना ये वाला बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, हम बढ़ते हैं चौथी वेबसाइट की तरफ। इस वेबसाइट का नाम है फ्री PNGs। यहाँ पर URL है फ्री PNGs, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा एनिमेशन आ रहा है, कितने अच्छे से इन्होंने इस इमेज का यूज़ किया गया है। ये यहाँ पे पहले बैकग्राउंड आता है और उसके बाद में बैकग्राउंड रिमूव करने वाली इमेज आ जाती है। तो ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इन्होंने बहुत क्लियर बताया हुआ है कि हमारा कॉन्सेप्ट, इस वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ भी इन्होंने नीचे कैटेगरीज दी गई है, किस कैटेगरी में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक पैकेज भी बताया गया, बल्क में अगर आप इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनका पैकेज दे सकते हैं। यहाँ से भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं चेयर की कैटेगरी में चला जाता हूँ, चेयर से रिलेटेड इमेज देख लेते हैं कैसी आ रही है। वैसे तो सभी इमेजेस अच्छी अच्छी क्वालिटी की मिल रही हैं इन सभी वेबसाइट पे, तो देख लेते हैं इसमें चले जाते हैं, इसमें से एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ये डाउनलोड कर लेते हैं सिंगल वाली। देख रहे हैं आप, जैसे ही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट या कोई अलग से सेपरेट पॉपअप नहीं खुल रहा है और ना ही लॉगिन मांग रहा है। तो मैंने ऐसी ही सारी वेबसाइट्स कलेक्ट की हैं ताकि कोई भी लॉगिन रिक्वायरमेंट ना हो, ना ही ज़्यादा कोई साइड में पॉपअप ओपन हो जाए एड्स वाले। सिंपल हम जस्ट क्लिक कर रहे हैं और डाउनलोड हो रही है इमेजेस। तो ये एक और इमेज डाउनलोड हो गई है, इसको भी हम यूज़ करके देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आई है। इसको डिलीट करते हैं और फटाक से इसको यूज़ करके देखते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी, इन वेबसाइट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है ने वेबसाइट, इन सब वेबसाइट ने, और काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस हमें मिल रही हैं। तो उसको देखते हैं थोड़ा छोटा करके और यूज़ करके देखते हैं, मुझे ठीक लग रहा है। अगर मैं यहाँ से ये वाला हटा देता हूँ तो अभी ठीक लग रहा है, ये ऐसे यूज़ कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप कैसे डिज़ाइन में कैसे मेंटेन करना और कैसे इसको सेट करना है। मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस के तौर पर दिखा रहा हूँ कि इमेज क्वालिटी कैसी आ रही है और हम इसको अपने डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। इस वेबसाइट का नाम है freepngimg.com। तो इस वेबसाइट का भी एक बार लुक देख लेते हैं कैसा इसका यूज़र इंटरफेस है। यहाँ पे भी नीचे उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं और काफ़ी सारे गूगल एड्स आ रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सर्च बार है और यहाँ पर होम आइकन्स। यहाँ पे हम कुछ सर्च करके देख लेते हैं हमारे डिज़ाइन से रिलीवेंट क्या रिलीवेंट रहेगा। यहाँ पर सर्च कर लेते हैं दोबारा से बाइसाइकिल, साइकिल से रिलेटेड एक इमेज मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था एक साइकिल से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं, तो मेरे माइंड में आया था आइए कि हम साइकिल ही क्यों ना सर्च कर लें। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, सेव करते हैं, डाउनलोड हो गई। इसको हम एक बार यूज़ कर लेते हैं अपने डिज़ाइन में कैसा दिख रही है। तो मैं डिलीट करता हूँ इसको, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सिंपली। इसका भी साइज़ काफ़ी बढ़ा दिया गया है,
वो भी ठीक लग रहा है। तो गाइस ये थी मेरी 5 वेबसाइट्स जो मैंने आपके लिए लेकर आया था। आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, आप जिस भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आप अपने वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जो मैंने सर्च किया सिर्फ वही नहीं, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं किसी ना किसी वेबसाइट, इन 5 वेबसाइट में अगर किसी एक वेबसाइट पर नहीं मिलता वो जो भी आप सर्च कर रहे हैं तो दूसरी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तीसरी पर मिल जाएगा, चौथी पर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है जो मैंने सर्च किया सिर्फ वही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। जो मेरे माइंड में आ रहा था इसको वीडियो को बनाते टाइम तो वो मैंने सर्च कर दिया, आप कुछ भी और सर्च कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप भी ऐसी कुछ फ्री वेबसाइट्स के बारे में जानते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ताकि मेरी और आप जैसे दूसरे भाई लोगों की हेल्प हो सके। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।